हम गायत्री परिवार के लोगों ने 5 भोजनालय का संचालन किया, जिसमें 2 भोजनालय हमारे एक ट्रामा सेंटर के लिए खोला गया था और एक कैंसर अस्पताल झुग्गी झोपड़ी कैंट के आसपास के क्षेत्र के लिए खोला गया था, और 3 भोजनालय से हम प्रशासन को, जिला प्रशासन को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराते थे और गाड़ियां हमारे सेंटरों पर आती थी सरकार की, और उसमें पोस्ट ऑफिस की गाड़ियां आती थी और भोजन पैकेट ले जाते थे। इसके अलावा हमने गायत्री परिवार की तरफ से 260 चिन्हित परिवारों को गोद लिया था, जिनको लगभग 1.5 महीने तक उनका संपूर्ण खर्च हम लोगों ने उठाया। और हमारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार महोदय थे, उन लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटा गया। 3 थानों में, शिवपुर, कैंट और सारनाथ में सायंकाल प्रतिदिन हम लोग जितने पॉइंट थे जहां पे हमारे सैनिक लगे हुए थे सुरक्षा के, उनको हम हर्बल टी पिलाते थे और बिस्किट के पैकेट देते थे। और साथ ही साथ जो है हमने एक मैसेज वायरल कर रखा था पूरे वाराणसी जनपद में कि कहीं कोई भी आपत्तिकाल में फंसा हो, चिकित्सीय सुविधा की जरूरत हो अथवा उसे जो है राशन की जरूरत हो, तो बिना संकोच इस नंबर पर कॉल करें। ऐसे बहुत से लोगों ने कॉन्टेक्ट किया और हमने पूरे वाराणसी जनपद में गायत्री परिवार, पूरे हमारे कार्यकर्ता लगे थे, और 6 गाड़ियों का पास भी जिला प्रशासन से हमें मिला हुआ था और लगभग 40 कार्यकर्ता स्वयंसेवी पास मिला हुआ था, और रॉ मटेरियल ले जाने के लिए गाड़ियां हमारी उपलब्ध थी। प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया और हमको काम करने में पूरे गायत्री परिवार को, सभी धार्मिक संस्थानों को आत्मीय आनंद की अनुभूति हुई। सर, हम लोग इस सेवा में जो भी अपना कर पाए उसमें एक आध्यात्मिक प्रयोग भी हमने किया। 260 घरों में नियमित रूप से एक माला गायत्री का हवन और कोविड-19 से बचाव के लिए जप का कार्यक्रम भी चलाया गया। इस तरह से हम लोगों ने अपना एक छोटा सा प्रयास इस संकट में किया। इसमें हमारे प्रशासन की, खास करके हमारे जिलाधिकारी महोदय, उच्च अधिकारी, हमारे कमिश्नर महोदय, ये लोग इतने कोऑपरेटिव थे, जो हर एनजीओ को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को अपने से जोड़ करके एक अच्छे सेवा का स्वरूप यहाँ तैयार किया और अभूतपूर्व कार्य सेवा का वाराणसी में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री, तो गायत्री परिवार के सबको मेरी तरफ से प्रणाम।